हाय एवरीवन, वेलकम टू शिवोस किचन। हमारे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी और टेस्टी मूंग की दाल पालक, जिसे बनाना है बेहद आसान और खाने में लगती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। चलिए तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक गड्ढी पालक ले ली है। पालक को अच्छे से साफ कर लिया है और इसको चलते हुए पानी में धो लिया है, ताकि पालक में जो भी मिट्टी वगैरह हो वो सब निकल जाए। साथ ही मैंने यहाँ पे ली है थोड़ी सी मूंग की धुली हुई दाल। दाल को भी अच्छे से साफ कर लिया है और धो के लगभग 10 मिनट के लिए इसको भिगो देंगे। तो जब तक हमारी दाल भीगती है, तब तक हमने पालक को भी काट लिया है। तो दाल और पालक को ना तैयार करने के बाद अब हम दाल को उबलने के लिए गैस पर चढ़ा देंगे। गैस पर चढ़ा दिया है मैंने पतीला, उसमें डाला है पानी। पानी जैसे ही हमारा गर्म होता है, हम इसमें डालेंगे भीगी हुई मूंग की दाल। दाल को डालने के बाद डाली है इसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी, साथ ही आधा छोटी चम्मच डाला है हमने इसमें नमक। दाल में हल्दी और नमक डाल के अच्छे से एक उबाल आ जाने देंगे। दाल में जैसे ही एक उबाल आएगा ना, तो इसमें जो झाग बनेगा वो सब झाग हम ऊपर आ जाएगा, जिसे हम चमचे की सहायता से निकाल देंगे, क्योंकि ये झाग ना सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं रहता है, तो हम इसे निकाल देंगे। तो देखिए, झाग मैंने निकाल दिया है, दाल में एक उबाल आ गया है। दाल जैसे ही उबली है तो जो कट किया हुआ पालक है वो भी हम इसमें मिला देंगे। इसमें ढक्कन लगा के ना इसको लगभग 5-7 मिनट के लिए हम अच्छे से पक जाने देंगे, ताकि हमारा पालक भी गल जाए और दाल भी अच्छे से उबल जाए। तो देखिए, पालक भी हमारा गल चुका है और दाल भी अच्छे से उबल चुकी है। तो ये तो हो गई है तैयार। अब लगाएंगे इसमें अच्छा सा तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है पैन। डाला है सरसों का तेल, उसमें डाली है थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा। तड़के को चटक जाने देंगे। इसमें डाली है थोड़ी सी ग्रेट करके अदरक, साथ ही 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इसे भी तैयार हो जाने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2-3 मीडियम साइज के टमाटर, जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो देखिए, टमाटर डाल के अब हम तड़के को अच्छे से भूनेंगे। तो 2-3 मिनट तड़के को मैंने अच्छे से भूना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सूखे हुए मसाले, क्योंकि हमने पहले हल्दी और नमक ही डाला था। अब डालेंगे मसाले, जैसे डाला है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, और मैंने थोड़ा सा तड़के के हिसाब से इसमें डाला है नमक। अच्छे से एक बार और हम इसे भून जाने देंगे, जब तक हमारे तड़के से तेल अलग नहीं हो जाता। तो देखिए, तड़का अच्छे से हमारा भून चुका है। अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी क्रश करके कसूरी मेथी। तो अब हम तड़के को डाल देंगे अपने दाल और पालक में। तो देखिए, तड़के को मैंने दाल पालक में मिला दिया है अच्छे से, क्योंकि अब हम इसमें लगाएंगे देसी घी का तड़का। पर उससे पहले हम इसे अच्छे से मिला के अपने मनचाहे डिश में अच्छे से सर्व कर लेंगे। तो देखिए, मेरे पास ना एक ये वाला बाउल रखा था, जिसमें मैंने अच्छे से इसको ना सर्व कर लिया है। आप चाहें तो आप या तो कोई कटोरी या कोई प्लेट, जिसमें चाहें उसमें इसको परोस सकते हैं। इसके बाद मैंने लगाया है देसी घी का तड़का। तो डाली है थोड़ी सी हींग, साथ ही लाल मिर्च का एक टुकड़ा, और डाली है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए। तो देखिए, तड़के को हमने दाल और पालक के ऊपर डाल दिया है। कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी दाल और पालक, और झटपट से ये हेल्दी डिश हमारी बन के तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से एक बार मूंग की दाल पालक बना के देखिएगा। इसे बनाना है बेहद आसान और खाने में लगती है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। तो हमारी इस रेसिपी को ट्राई करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा।